पहले शाहरुख ने खत्म किया था बॉलीवुड का काला अंधेरा, अब रोशनी की तरह चमक रहे हैं भाईजान, बन गया अनोखा रिकॉर्ड। सलमान खान की फिल्म ने तोड़ दिया दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड, उम्मीद से ज्यादा खरी उतरी फिल्म। दोनों खान के इर्द गिर्द है पूरा बॉलीवुड, सलमान खान और शाहरुख खान ने कर दिया साबित, आस पास नहीं भटक सकता कोई अभिनेता। शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान का भी चलता है बॉलीवुड में सिक्का, किसी का भाई किसी की जान ने तोड़ दिया बड़ा रिकॉर्ड। जब कभी बॉलीवुड की बात होती है तो सबसे पहले नाम शाहरुख खान का आता है और दूसरा नाम सलमान खान का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बॉलीवुड में खान परिवार का दबदबा कायम है। इस वक्त बॉलीवुड को खान परिवार की जितनी जरूरत थी, खान परिवार ने उतना दो फिल्मों में ही पूरा कर दिया, क्योंकि लगातार कोविड के बाद से बॉलीवुड पूरी तरह बर्बाद हो रहा था, जिसको सहारा देने के लिए शाहरुख खान ने एक हाथ बढ़ाया तो दूसरा हाथ सलमान खान ने। जहां शाहरुख खान ने बॉलीवुड को कई करोड़ रुपए कमा कर दिए, तो वहीं सलमान खान भी इस कतार में कहीं पीछे नहीं है। हाल में रिलीज सलमान खान की फिल्म ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, जबकि पहले दिन की कमाई से खान के फैंस बेहद मायूस थे, लेकिन दूसरे दिन सलमान खान की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खान की फिल्म ने वो कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर जो उम्मीद लगाई जा रही थी, आखिर वो सच साबित हुई। फैंस ने फिल्म की रिलीज के दूसरे दिन भाईजान को ईदी दे ही दी। पहले दिन सुस्त कमाई ने जहां सबको हैरान कर दिया था, वहीं दूसरे दिन आंकड़े में जबरदस्त उछाल आ गया। फिल्म ने बम्पर कलेक्शन किया, यहां तक कि कई शोज हाउसफुल भी रहे। अगर फिल्म इसी स्पीड से कमाती रही तो रविवार तक 70 से 75 करोड़ का आंकड़ा भी छूलेगी। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी किसी का भाई किसी की जान ने दूसरे दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि कलेक्शन 25 करोड़ 75 लाख रुपए से ऊपर का रहा। इस आंकड़े के और भी ज्यादा ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि फिल्म ने बड़े पैमाने पर सिंगल स्क्रीन पर भीड़ जुटाई है। हाउसफुल के बोर्ड भी सामने आए हैं। पहला शो भले ही क्षमता से कम रहा हो, लेकिन उसके बाद पूरे हिंदी बेल्ट में यह हाउसफुल रहा। मल्टी स्टारर मूवी किसी का भाई किसी की जान ने रिलीज के दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा जंप मारा है, वो सलमान खान और ईद के कॉम्बिनेशन का कमाल है। इससे पहले रमजान का आखिरी दिन होने के कारण शुक्रवार को फिल्म को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 21 अप्रैल की कमाई 15 करोड़ 81 लाख रुपए थी। दो दिन के आंकड़ों को जोड़ ले तो नंबर्स लगभग 41 करोड़ 56 लाख नेट है, जो कि बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट है। खास बात यह कि दूसरे दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है फिल्म ने। कोरोना महामारी के बाद सिनेमा को लेकर बहुत बदलाव हुए, ऊपर से हॉलीडे पर दर्शकों का बाहर निकलना आसान नहीं था, फिर भी सलमान खान के फैंस ने साबित कर दिया कि वो भाईजान के कितने तगड़े फैन हैं और उनका स्टारडम आज भी बरकरार है। सलमान खान की फिल्म देखने के लिए मेट्रो के दर्शक भी आ रहे हैं। सभी सर्किट में 62.87% की भारी उछाल देखने को मिल रही है। ओवरसीज में पहले दिन नतीजे अच्छे रहे, क्योंकि ईद शुक्रवार को मनाई गई। कुल मिलाकर जिस तरह से फिल्म की ओपनिंग हुई, उसकी तुलना में अच्छी स्थिति में है और अब इस स्पीड को बनाए रखने की जरूरत है। फिल्म को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, निजाम, मुंबई, राजस्थान, मैसूर, बिहार, तमिलनाडु और केरल में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसे 4,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। साथ ही ये भी बता दें कि ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की पिछली 10 फिल्मों की तुलना में किसी का भाई किसी की जान का ओपनिंग डे कलेक्शन सबसे कम रहा। इस लिस्ट में शाहरुख खान की पठान नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र है और तीसरे पायदान पर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का कब्जा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सलमान खान के फैंस ईद के इस हफ्ते सलमान खान को कितना बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि अब सलमान खान की फिल्म ने रेस पकड़ना शुरू कर दिया है। क्या कमाई के मामले में सलमान खान की फिल्म शाहरुख खान की फिल्म की बराबरी कर लेगी या शाहरुख खान के आसपास नहीं भटक पाएगी? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दें।